रिव्यूज में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने 10 और ई स्मार्टफोन में जो सेल्फी कैमरा है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे दो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके चलते आपके जो 10 और ई का स्मार्टफोन का जो सेल्फी कैमरा है वो काफी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस वीडियो को बने रहिएगा। बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपकी जो कैमरा क्वालिटी है सेल्फी कैमरा क्वालिटी थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ज्यादा इंप्रूव नहीं होगा जैसे कि आप सोच रहे हो वैसा इंप्रूव मिलेगा नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ चीजों से ऐसा आपको एडजस्ट करना होगा वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला ट्रिक है स्टार्ट करते हैं ट्रिक की तरफ बढ़ते। सबसे पहला ट्रिक मैं आपको ये फोन के साथ ही बताता हूँ कैसा करना है। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना कैमरा ऑन करना है। Yes. जैसे आपने कैमरा ऑन कर लिया तो यहाँ पर आपको इसे ऑटो मोड पे आप कर लीजिए और शुरुआत में एक फोटो हम निकाल के देख लेते हैं कैसे आता है। तो आप देख सकते हैं ऐसा फोटो कुछ आया हुआ है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ आपको करना क्या है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे एक ऑटो मोड मिलेगा यानी कि आपके पास मोड्स होगा, तो इसमें से आपको ऑटो मोड को आपको चूज करना है और आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑटो वाइट बैलेंस करके आपको मिलेगा, नीचे आपको वाइट बैलेंस आएगा, वहाँ पर आपको जाना है और उसमें आपको क्लाउडी मोड को आपको सेट करना है। तो दोस्तों आपको दिक्कत आपको जाएगी जैसा आप इसे सेट करो तो थोड़ा येलोइश हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आपको मैं इसका भी एक पिक्चर देखा देता हूँ क्वालिटी सैंपल्स, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो कैसी है। और दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कंपैरिजन है इसका उसमें आपको क्वालिटी आपको काफ़ी आपको बेहतर देखने को मिलेगी, यानी कि जो जो डे लाइट जो क्लाउडी मोड पे जो निकाला गया उसमें जो क्वालिटी थोड़ी सी आपको शार्प और थोड़ी सा कलर आपको थोड़ी अच्छी देखने को मिलेगा, जबकि अगर आप नॉर्मल मोड पर फोटो देखें तो आपको कलर पूरी तरह से वॉश आउट मिलेगा। तो दोस्तों यही कुछ सैंपल्स जो आपको दिखाना चाहता था। डे लाइट में भी आप देख सकते हो, डे लाइट की जो पिक्चर क्वालिटी दोनों में ही आपको ज़्यादा फर्क दिखेगी, ज़्यादा आपको येलोइश नहीं दिखेगा। और अगर आप नाइट मोड में अगर आप देखते हो तो नाइट मोड की भी जो क्वालिटी है दोस्तों खुद ही जज कर सकते हो। अगर आपको इस ट्रिक से भी अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ये ट्रिक भी पूरी तरह से सही नहीं है, यानी कि ये ट्रिक भी अगर आपको अच्छा नहीं लगा है, तो सेकंड ट्रिक दोस्तों आपके लिए हो सकता है। तो सेकंड ट्रिक में आपको यहाँ पर किसी भी तरह का येलोइशनेस आपके फोटोग्राफी में नहीं है। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पता ही होगा कि जो 10 और ई का जो वीडियो कैमरा है इवन फ्रंट या बैक यहाँ पर दोस्तों इसमें जो क्वालिटी है वो काफी बड़ी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों इसका जो वीडियो कैमरा है इसे आपको यूज करना है, यानी कि दोस्तों आपको वीडियो कैमरा वीडियो शूट नहीं करना, लेकिन आपको यही आपको ऐसा एक फीचर आपको ऐसा एक दिया जाता है जिससे आपको पता नहीं होगा आपको क्या करना है कि वीडियो कैमरा ऑन करना है। ऑन करने के बाद में क्या करना है, आपको बस स्क्रीन में टच करना है। टच करने के बाद आपको फोटो है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। बहुत सारे आपको फोटोज ऐसी आएंगी तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, इसे वीडियो कैमरा में इसको जाना है, ऑन कर लेना है वीडियो कैमरा को एक बार, और वीडियो कैमरा जैसे आपको ऑन हो जाएगी तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस स्क्रीन पर बस आपको क्लिक करोगे तो आपकी जो फोटो है वो नॉर्मली निकल जाएगा। आप खुद आप क्वालिटी देख सकते हो कैसी क्वालिटी है इसकी, तो यहाँ पर खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी अच्छी आपको यहाँ पर वीडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कुछ सैंपल से मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो कि मैं निकाले गए हैं, तो उससे आपको और भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। पिक्चर सैंपल्स भी लिए गए हैं, डे लाइट और नाइट मोड आप दोनों ही आप देख सकते हो किसके आपको अच्छी लगती है। डे लाइट में आप देख सकते हो, डे लाइट में दोनों ही पिक्चर क्वालिटी लिए गई है। यहाँ पर आपको दोस्तों आपको एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो यही है कि आपको कलर रिप्रोडक्शन जो है वो आपको वीडियो कैमरा के जो थ्रू यहाँ पर जो ली गई है उसमें आपको अच्छी मिलेगी। और अगर मैं आप देखता हूँ तो डे लाइट में आपको वैसे आपको डे लाइट में नॉर्मल कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन अगर आप नाइट मोड पर आते हो तो दोस्तों नाइट मोड पर दोस्तों पूरी तरह से फेल हो जाता है इसका जो कैमरा है। नॉर्मल कैमरा दोस्तों नाइट मोड के लिए बिल्कुल भी, नाइट मोड में आपको लो लाइट में आपको बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, जबकि अगर आप देख सकते हो तो थोड़ा आपको बेहतर देखने को मिलता है। ये था कुछ ट्रिक्स जो मैं आपको बताना चाहता 10 और स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा को इंप्रूव करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज इसमें एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो आप अगर आपने देख लिया हो जो फर्स्ट जो मैंने ट्रिक आपको बताया उसमें दोस्तों आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर आपको डे लाइट क्लाउडी मोड आपको सेट करना, तो दोस्तों क्लाउडी मोड में जब आप इसे सेट करोगे तो आपको येलोइश हो जाता, तो दोस्तों ये आपको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप इसे डे लाइट पे लेते हो तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, येलोइश की इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप देखोगे क्वालिटी आपको काफी अच्छा मिलता है। दोस्तों दूसरा जो टेक्निक आपको मैंने बताया था कि वीडियो कैमरा, दोस्तों वीडियो कैमरा में क्या होता है, जब आप इसका अपना वीडियो कैमरा जब आप ऑन करते हो तो आपका जो वीडियो कैमरा है वो बैकग्राउंड में ऑन होता है, तो आप क्या करते हो आप फोटो क्लिक करते हो, उसके बाद जैसे आपका फोटो आपका क्लिक हो जाता है तो आप क्या करिए कि जो वीडियो कैमरा आप जो शूट किए थे उसे आपको डिलीट कर देना है उसके बाद में। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट है आपको जिसके साथ आपको थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों पिक्चर क्वालिटी आपके खुद आपके सामने आप खुद ही देख सकते हो कि पिक्चर क्वालिटी आपको कैसी आपको मिलती है। बस इतना ही था, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अन्य सब्सक्राइब भी करना, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करना। तो मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।